यहाँ का प्राण प्रतिष्ठा पूजन महोत्सव निम्नानुसार है। प्रथम दिन 5/5/22 को दिन गुरुवार को शाम को कलश यात्रा निकलेगी, जो शीतला मंदिर से हमारे मंदिर तक, चित्रकूट मंदिर तक आवेगी। दूसरे दिन 6/5/22 को शुक्रवार को सुबह 9 बजे से उनकी देवाहन मूर्तियों का जलाधिवास, अन्नाधिवास आदि पूजन कार्य संपन्न किया जाएगा। तृतीय दिन 7/5/22 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे से देव पूजन मूर्तियों का उत्थापन संस्कार, पुष्पाधिवास, पंचामृत अधिवास एवं नेत्रोन्मलन किया जाएगा। तत्पश्चात संध्या 6 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। चतुर्थ दिन दिनांक 8/5/22 रविवार को मूर्तियों का न्यास प्राण प्रतिष्ठा, जिसका अभिजीत मुहूर्त, एक मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो सवेरे 7:55 से दोपहर 12:22 तक के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात मूर्तियों की प्रथम पूजा एवं भोग, पूर्णाहुति, आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। उसी के साथ में भंडारा का भी कार्य किया जाएगा। इस प्रकार कायस्थ समाज राजनांदगांव यह कार्य संपन्न करवा रही है, और जितने भी वहां के कायस्थ समाज के जो सेवादार हैं और जो परिवार के लोग हैं, वो सब लोग अपनी पूर्ण रूप से अनेक प्रकार से सहयोग दिए हैं। किसी ने अन्न से, किसी ने पैसे से, किसी ने अपनी मेहनत से, यानी सभी प्रकार का सहयोग हमारे मंदिर को प्राप्त हुआ है, और इसी के कारण से आज मंदिर बन करके पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। शुभ नाम बताइएगा, शुभ नाम बताइए। जनता कॉलोनी हो प्रकार की प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जिनसे संबोधन किया जाता है। का प्राण प्रतिष्ठा पूजन महोत्सव निम्नानुसार है। प्रथम दिन 5/5/22 को दिन गुरुवार को शाम को कलश यात्रा निकलेगी, जो शीतला मंदिर से हमारे मंदिर तक, चित्रकूट मंदिर तक आवेगी। दूसरे दिन 6/5/22 को शुक्रवार को सुबह 9 बजे से उनकी देवाहन मूर्तियों का जलाधिवास, अन्नाधिवास आदि पूजन कार्य संपन्न किया जाएगा। तृतीय दिन 7/5/22 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे से देव पूजन मूर्तियों का उत्थापन संस्कार, पुष्पाधिवास, पंचामृत अधिवास एवं नेत्रोन्मलन किया जाएगा। तत्पश्चात संध्या 6 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। चतुर्थ दिन दिनांक 8/5/22 रविवार को मूर्तियों का न्यास प्राण प्रतिष्ठा, जिनका अभिजीत मुहूर्त, एक मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो सवेरे 7:55 से दोपहर 12:22 तक के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात मूर्तियों की प्रथम पूजा एवं भोग, पूर्णाहुति, आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। उसी के साथ में भंडारा का भी कार्य किया जाएगा। इस प्रकार कायस्थ समाज राजनांदगांव यह कार्य संपन्न करवा रही है, और जितने भी वहां के कायस्थ समाज के जो सेवादार हैं और जो परिवार के लोग हैं, वो सब लोग अपनी पूर्ण रूप से अनेक प्रकार से सहयोग दिए हैं। किसी ने अन्न से, किसी ने पैसे से, किसी ने अपनी मेहनत से, यानी सभी प्रकार का सहयोग हमारे मंदिर को प्राप्त हुआ है, और इसी के कारण से आज मंदिर
बन करके पूर्ण रूप से खड़ा हुआ है। शुभ नाम बताइएगा। शुभ नाम बताइए। नाम रमेश श्रीवास्तव। अंदर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, साथ साथ SDM ऑफिस से भी हम परमिशन लेकर के यह कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 तारीख को बाइक रैली है और मैं इस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी सामाजिक संस्था, सभी सामाजिक अध्यक्ष, जितने भी हमारे शहर में जितने सामाजिक अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी संवाददाता हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यही एक आमंत्रण समझकर आप मंदिर में ज़रूर पधारें, दर्शन लें और कार्यक्रम को सफल बनाने में कायस्थ समाज का सहयोग करें। ये अपना नाम बताएं। मैं राजीव श्रीवास्तव, सचिव कायस्थ सभा, कायस्थ समाज, राजनांदगांव।